प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर लोग पहले से मौजूद हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, प्रधानमंत्री का ये दौरा तमाम चुनौतियों से निपटने का मूल मंत्र दे सकता है, समाधान निकालने के लिए तमाम विचार विमर्श होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री इस दौरे पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं जय जयकार शुरू हो चुकी है यहां पर, जो भारतीय हैं वो यहां पर उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पर पहले से मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही साथ तमाम जो वैश्विक परिस्थितियों से जो तमाम चुनौतियां हैं वो यहां पर अब विचार विमर्श के बाद उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मूल मंत्र देंगे और जिससे आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। सुधाकर बेहद ही अच्छी तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, साफ तौर पर जो यहां पर भारतीय हैं वो उन्होंने जोरदार स्वागत किया है, छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर बात कर रहे हैं। सुधाकर तो हम थोड़ी देर में अपने संवाददाता के साथ फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह से बातें कर रहे हैं और जो अपना टैलेंट है वो उन्हें दिखा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भेंट की जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए और साफ तौर पर, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जोरदार तरीके से उनका यह स्वागत किया जा रहा है, लोग तस्वीरें ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक स्तर पर किसी देश में जाते हैं तो भारतीय जो हैं वो वहां पर उनका जोरदार स्वागत करते हैं और ऐसे में ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के चेहरे देखिए किस तरह से, कितनी खुशी उनके चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रही है, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया जा रहा है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह से इतने उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कोने कोने से यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें तमाम ऐसे पहलू हैं जो यहां पर रखे जाएंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर विचार विमर्श होगा और साथ ही साथ उनका समाधान तलाशने और तराशने की कोशिश भी की जाएगी। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा तमाम चुनौतियों से निपटने का मूल मंत्र भी देगा, समाधान निकालने के लिए यहां पर विचार विमर्श भी होंगे और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ उनकी वार्ता
जो होगी उसमें व्यापारिक सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से आपको बता दें कि उस रखा जाएगा। और व्यापारिक सम्मेलन को जिस तरह से दोनों ही आपको बता दें कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी वहां पर संबोधित करेंगे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा दौरा और पूरा शेड्यूल जो कि तमाम जो चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पर उनसे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मूल मंत्र देंगे। और आप देख सकते हैं कि मोदी मोदी के नारों से पूरा ही जो माहौल है वो गूंज उठा है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर कब से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके सामने आ रहे हैं लोग उनका जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं और ऐसे में बड़ी वैश्विक पहल यहां पर नजर आ सकती है। प्रधानमंत्री यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को और प्रगाढ़ करने की इच्छा रखते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि उसको और मजबूती देनी है और इसीलिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम वैश्विक संकटों से उबारने के लिए यह दौरा, यह विचार विमर्श, यह मंथन बेहद ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय मूल के निवासी किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत कर रहे हैं ये आप तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो बर्लिन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं उभरती हुई टेक्नोलॉजी से और आपसी सहयोग से।